हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएससी शॉर्ट लेक्चर। आज हम इस वीडियो में एक नए सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आईएन ब्रांच में भी इसका कुछ पार्ट मैच करता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है अलग अलग ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में इस सब्जेक्ट का नाम अलग होगा, उसका शायद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट नाम से है, इलेक्ट्रॉनिक में नाम अलग दिया हुआ है, आईएन में केवल मेजरमेंट नाम से दिया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखा जाए इंस्ट्रूमेंटेशन का तो 90-95% सिमिलर है। ठीक है, अब ये जो है गेट के सिलेबस में, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में केवल इंजीनियरिंग सर्विस के सिलेबस में, गेट के सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिकल में गेट में भी है, इलेक्ट्रॉनिक गेट में भी है और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में भी है, आईएन में ये केवल गेट के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझते हैं। ठीक है, सिलेबस समझेंगे किस एग्ज़ाम में कितना परसेंट मार्क इंपॉर्टेंट है, पीएसयूज में इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस में इसका इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में इसका कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेबस जो ये जो आपके सामने जो सिलेबस दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए। ठीक है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके पेपर वन जिसको बोलते हैं टेक्निकल का पेपर वन। ठीक है, टेक्निकल के पेपर वन में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और ये इसका एक सिलेबस दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस नए सिलेबस में। तो इंजीनियरिंग सर्विस, जैसा कि सबको पता है कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ने अपना पैटर्न चेंज किया है 2017 से, तो पेपर वन जो टेक्निकल में उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस दिया। पुराने सिलेबस में भी ये सिलेबस था, पुराने सिलेबस जो था इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने जो पैटर्न है उसमें भी ये सिलेबस था, नए पैटर्न में भी ये सिलेबस है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंस है, अब देखते हैं जो इसका कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, ये जो पेपर वन जो होता है टेक्निकल, जो पेपर वन था प्रीलिम एग्जाम में, ठीक है, जो प्रीलिम स्टेज वन का जो प्रीलिम एग्जाम होता है उसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 12 सब्जेक्ट से 150 जो थे क्वेश्चन आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और 150 होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कि होगा वन क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 12 सब्जेक्ट है जहाँ से 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर ऑन एवरेज अगर हम बात किया जाए तो नियरली अगर 150 को 12 से डिवाइड किया जाए तो 12 से लेके 13 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम में, अगर एवरेज लिया जाए तो। ऐसा हो सकता है कि 12 की जगह पे 10 क्वेश्चन आ सकता है, 10 भी आ सकता है, या फिर 15 भी आ सकता है, या फिर 20 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकता है, डिपेंड। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 से 13 क्वेश्चन के लिए यानी कि 26 मार्क्स आने वाले हैं नियरली, एवरेज अगर लिया जाए तो। ये हो सकता है कि 20 मार्क्स का हो सकता है या फिर 30 मार्क्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एग्जाम के ऊपर, वो वेरी करेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन इस साल अगर ईएससी 2017 का बात किया जाए, 2017 तो इसमें जो एग्ज़ाम में जो आया था 22 या 24 मार्क्स आप बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 22 या 24 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियरली नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम 2018 जो फोकस जो ईएससी 2018 जो फोकस कर रहे होंगे उनके एग्ज़ाम में ये 25 मार्क्स का एवरेज आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में प्रीलिम में आने का चांसेस है। ठीक है, ये सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर्विस के लिए फोकस कर रहे होंगे उनके पेपर वन में है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है पेपर वन की। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर कुछ लोग जो होंगे जो इलेक्ट्रिकल से फोकस कर, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हैं इलेक्ट्रिकल से पेपर देंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के, जो लोग इलेक्ट्रिकल से पेपर देंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में उनका भी पेपर वन में ये जो सिलेबस एडेड है, पेपर वन टेक्निकल में क्या है ये एडेड है, और इसका सिलेबस दिया है, इसका नाम बस अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट यहाँ पे नाम है, लेकिन आप देखो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। ये जो है आप बोल सकते हैं कि 90-95% जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा है उसमें कम है। ठीक है, कुछ टॉपिक को डिटेल में इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेस सेम, और बाकी 90-90% सिलेबस में। यानी कि अगर हम जो ये नया वीडियो का सीरीज स्टार्ट किए हैं, अगर कोई भी अगर इस वीडियो सीरीज को देखता है तो इलेक्ट्रिकल का भी के लिए भी यूजफुल है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, ये तो इंजीनियरिंग सर्विस में, इसमें अगर वेटेज की बात किया जाए तो इसमें भी सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि 22-26 मार्क्स आएगा नियरली। ठीक है, अगर एवरेज बोला जाए तो नियरली इसको बोल सकते हैं 25 मार्क्स का आने वाला है।
ठीक है, यानी कि 12 to, अगर हम बोला जाए 12 to 13 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा अगर एवरेज देखा जाए तो, ठीक है, ये 25। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में था, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में दोनों में वेटेज क्या है, इंजीनियरिंग साइंस एग्जाम में दोनों में सेम है। अब देखते हैं हम लोग गेट के सिलेबस में किस ब्रांच में है, ठीक है। तो जो गेट का, जो गेट में जो है ये केवल इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक के गेट सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड के हैं, जो केवल गेट देना चाहते हैं, वो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं, इनके इनके लिए देखना ही नहीं उनको, क्योंकि ये आने ही वाला नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से जो लोग गेट देना चाहते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिकल से गेट देना चाहते हैं, उनके सिलेबस ये है, ठीक है। उन्होंने ये सिलेबस दिया हुआ गेट में, यानी हम बोल सकते हैं जितने भी टॉपिक है उस, जो हमारा सिलेबस उसका ये सब डोमेन है, ठीक है, उसका ये, ठीक है, सबसेट है, उसका सबसेट है, तो इसमें से आने वाला, यानी कि वो जो लेक्चर अगर आप देखेंगे पूरा, तो उसमें गेट में भी इम्पोर्टेंस है, गेट में भी यूज़फुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो गेट में अगर मैं बात करूँ, गेट 2016 में अगर वेटेज की बात करूँ, कितना मार्क्स का आता है इस सब्जेक्ट से, तो गेट 2016 में सेट वन जो था, सेट वन में जो था 3 मार्क्स का आया था, और सेट टू में जो था 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अगर गेट में बात करूँ, गेट 2015 में, ठीक है, तो सेट वन में जो था, ठीक है, सेट वन में जो था 7 मार्क्स का आया था, और सेट टू में था 6 मार्क्स का आया हुआ था। अब 2017 का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं 2017 का। हम अगर एवरेज लें तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 मार्क्स का नियरली आने वाला है, ऐसा हो सकता है 5 to 6 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर नियर अबाउट 5 मार्क्स के आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, गेट में, ठीक है। तो जो लोग गेट की इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल का जो स्टूडेंट है जो गेट के फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इनसे देख के अपने गेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेट में इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब ब्रांच है, ठीक है, जिसका गेट के सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मेजरमेंट पढ़ना है उनको, तो उनके भी ये गेट के सिलेबस में आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो वीडियो, जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये वीडियो जो सीरीज IN ब्रांच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लोग, जो लोग IN ब्रांच से गेट में फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं PSUs, तो PSUs में अगर PSUs की बात करें, तो PSUs में, ठीक है, PSUs में कोई भी PSU आप देने जाओगे, अगर इलेक्ट्रिकल के हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के हो, या फिर IN के हो, ठीक है, इन तीनों कोई भी ब्रांच के आप हो, अगर PSU के क्वेश्चन देने जा रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन 101% होता ही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर पेपर में वेटेज कितना होता है, तो 5% to 15% जो होता है PSUs में आते ही आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो लोग PSUs जो फोकस कर रहे हैं, जो PSU में, जैसे कि एग्जांपल में बोलूं, अगर UPPCL का पेपर देने जाओ, उत्तर UPPCL का, ठीक है, ठीक है, UPPCL का, या फिर UPRVUNL का, ठीक है, या फिर UPCL का देने जाओ, ठीक है, या फिर महाट्रांसको का देने जाओ, जो भी पावर ग्रिड की, मतलब जो जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी कंपनी है, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक IN के लिए निकलती हैं, वैकेंसी निकलती है, उनका अगर पेपर देने जा रहा हो, तो इंस्ट्रूमेंटेशन से 100% क्वेश्चन आते रहते हैं, और उनका वेटेज 5% to 15% होता ही होता है, ठीक है। यानी वो 100 मार्क्स का रहेगा, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, तो 5 मार्क्स या 15 मार्क्स का आना आना फिक्स है। अगर 200 का पेपर है, जैसे UPPCL में 200 मार्क्स का है, तो वहाँ पे 10 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन से होता ही होता है, मिनिमम 10 मार्क्स का रहेगा और मैक्सिमम 30 मार्क्स का रहता ही रहता है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है PSU के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग PSU फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो देखना, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि जब भी इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का नया नया जो भी लेक्चर जब अपलोड हो, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आसानी से आप देख लो, ठीक है। थैंक यू।